अब टुनिशा इस दुनिया से अलविदा कहकर चली गई है, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को रोता हुआ छोड़कर चली गई है, लेकिन ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, तो हमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा। अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर, जहां रहती हैं भाभी जी, और भाभी जी मना रही हैं क्रिसमस का त्यौहार। भाभी जी के मोहल्ले में भी इस सेलिब्रेट किया जा रहा है एक क्रिसमस का त्योहार। अब भाभी जी का मोहल्ला है तो यकीनन ही यहाँ पर उलट पलट तो होगी ही। आपको बता दें कि ये सारे ना पहुँच गए हैं अपने पास्ट टेंस में, जहाँ पर ये अंग्रेजों के जमाने के लोग बन गए हैं। एक हॉरर कॉमेडी स्टोरी है और इसमें क्रिसमस का सेलिब्रेशन भी है और भूतों का आगमन भी है और जो रियल हम इंसान हैं वो भी हैं, लेकिन हम थोड़े पास्ट में हैं। आई एम मिस्टर थॉमस, और ये सब जो है पूरा अंग्रेज़ों के ज़माने का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ हुआ है। अब किसको इम्प्रेस करने के लिए हुआ है? भूतों को इम्प्रेस करने के लिए हुआ है, और उनके साथ अब जो क्रिसमस का सेलिब्रेशन होगा। या बेबी, फिर विभूति नारायण मिश्रा हो या हो तिवारी जी, जरा देखिए इनका हुलिया कैसे बदल गया है, और भाभी जी वो भी अंग्रेज बन गई हैं। और आपको ये जानकर ताजुब होगा कि यहाँ पर भूत भी मौजूद हैं, जिन्हें की सक्सेना ने इनवाइट किया है। अब ये भूत तो कुछ ज्यादा ही भूतनी हो गई है। हमको एंगेजमेंट रिंग लेने जाना है, हम लेकर आता है। हम इस क्रिसमस के मौके पर हम हमारे सिस्टर एंजेलिना और पैट्रिक का एंगेजमेंट कराएगा। लेकिन कोई नहीं, भाभी जी के मोहल्ले में आकर इसका भी हृदय परिवर्तन हो गया है। भूतनी को कंफ्यूजन था, उसकी कंफ्यूजन दोनों भाभी जी ने दूर कर दी है। तुमको एक बात बताना चाहते हैं कि ये हमारे लड्डू की भैया हैं। और ये मेरा हस्बैंड, ये भूती है। अरे लेकिन वो विक्टर है, ये थॉमस है। नहीं, ये थॉमस नहीं, हमारे लोटा है। हमारे पति लड्डू के भैया हैं। ये मेरे हस्बैंड है, देखो। और फिर कुछ इस तरीके से एक क्रिसमस का त्योहार सेलिब्रेट किया भाभी जीज ने। फिर मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।